Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says cost of one apple is three times the cost of an orange. If price of three apple is 72, then price of six oranges will be. ठीक है, सिक्स oranges की हमें कॉस्ट निकालनी है कि कितनी होगी. ठीक है, और ऑप्शन हमें गिवन है चार, जिसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन. वी हैव दैट इज कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड प्राइस ऑफ थ्री एप्पल्स इक्वल टू 72. ठीक है, रुपीज 72. सो नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. इसका सॉल्यूशन देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऐड कर लेता हूँ कि कॉस्ट ऑफ वन एप्पल इक्वल टू बाय एंड कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज इक्वल टू एक्स. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ वन एप्पल कितनी है हमारी, दैट इज वाई. ये थ्री टाइम्स है कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज के. ठीक है, वाई इक्वल टू थ्री एक्स है. और सेकंड कंडीशन क्या है, द प्राइस ऑफ थ्री एप्पल्स कितना है, 72 है. सो दैट मीन्स एंड थ्री टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू है 72 के. ठीक है, सो यहाँ से वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 72 अपॉन थ्री, दैट इज 24. ठीक है, वाई की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती है 24. और इसको इक्वेशन में वन कह देता हूँ, तो पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन वन में. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू थ्री एक्स है. सो एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन थ्री. अब वाई मेरा 24 है अपॉन थ्री, दैट इज ये कितना जाएगा, 8. सो एक्स मेरा 8 आ जाता है. तो और एक्स मैंने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज. सो हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ सिक्स ऑरेंज की. सो कॉस्ट ऑफ सिक्स ऑरेंजेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक ऑरेंज की कॉस्ट इतने 8 है, 8 रुपीज है, और ये भी हमारी रुपीज में होगी कॉस्ट है. और हमें निकालनी 6 ऑरेंज की कॉस्ट, तो 6 × 8, सो ये आ जाएगा रुपीज 48. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा. देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में हमारा जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा. दैट इज कॉस्ट ऑफ सिक्स ऑरेंजेस इक्वल टू रुपीज 48. हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू.